सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किसान वाला ब्लॉग में। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अब आया हूँ एक धान काटने वाली मशीन। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग धान निकालेंगे, चावल एकदम फ्रेश चावल निकलवाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं धान निकलता है, ऊपर जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे धान डाला जाएगा और यहाँ पे लमसम 50 KG के आसपास धान आ जाएगा। तो ये उस्ताद का 3 नंबर वाला पैलेसर का मिनी पैलेसर है। देखो दोस्तों, पैलेसर से अच्छा चावल यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया जाएगा। और क्योंकि पैलेसर का चावल उतना अच्छा नहीं लगता खाने में, और ये पैलेसर से भी अच्छा चावल एकदम खड़ा, एक भी चावल इसमें नहीं टूटेगा। वो सेटिंग के ऊपर बात होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कहाँ से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धान की सफाई भी है और बड़ा बड़ा धान है, पतला वाला धान है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा धान है, इसमें चावल कितना अच्छा। और ये बच्ची भी बहुत अच्छे से इसी में बैठ के खेल रही है। और यहाँ से निकलेगा चावल, तो आप देख सकते हैं। और चावल के लिए हम लोग रेडी हैं, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है और मशीन हमारी चलने के कगार पे है, और ट्रैक्टर चल चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखना कि इधर कोई बच्चे बच्चे ना आने पाए, क्योंकि ये थोड़ा ख़तरनाक होता है, पट्टे तल चलते रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख ले रहे हैं सेटिंग की जा रही है, चावल निकलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी उतना अच्छा चावल नहीं निकलेगा। तो चावल की क्वालिटी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पास से जाके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा चावल है, अभी क्वालिटी आप देख लीजिए। देखिए अब बिल्कुल अच्छा चावल है, थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा है, लेकिन इसको और अच्छा किया जाएगा और सफ़ा हो जाएगा। अभी आप देखते रहिए, और चावल बिल्कुल क्वालिटी युक्त रहेगा। ये पैलेसर से भी अच्छा चावल आपको मिलेगा यहाँ पे, और पैलेसर उतना अच्छा चावल नहीं दे पाएगा, क्योंकि पैलेसर चावल तोड़ देता है और वो पूरे चावल को छील देता है, वो खाने में भी उतना वेस्ट नहीं रखता। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी है, ये देखिए कोई भी चावल टूटा हुआ नहीं है। ये होता है सेटिंग के ऊपर। आप भी ऐसा चावल निकाल सकते हैं अगर आप, और ज़्यादा देखना है तो आप इसकी सेटिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना है। देख सकते हैं बिल्कुल पैलेसर से भी कहीं अच्छा चावल आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसमें एक सेटिंग करेंगे, उस सेटिंग के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगर उस छोटी सी सेटिंग को आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा पैलेसर से बेस्ट चावल आपको मिलेगा। तो मैं आपको हाथ से उठा के दिखा रहा हूँ, ये इतना अच्छा चावल है, देख लीजिए, एक भी पैलेसर से अच्छा चावल।